आप लोग ने वहाँ पर श्रवण किया था, इतिहास यहाँ पर कितने हाथ उठाओ तो हिंदी समझने वाले पागल अभी तो पागला बोलो हरे कृष्णा ठीक है पागला हो गए थे हम लोग जहाँ पर आए कि चाल काजी का समाधि है यदि ये पूर्व जन्म में ये कौन है बोले कंस है पूर्व जन्म में ये कंस है लेकिन श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तो देखो चैतन्य हरि से सब चैतन्य का लीला पुष्टि गए मतलब है जिन जिनों को हम लोग देखते हैं कृष्ण लीला में महापुरुष लीला में ये शत्रु का काम करते हैं जैसे कंस ने शत्रु का काम किया जगाई माधा ने शत्रु का काम किया रावण ने शत्रु का काम किया लेकिन श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मतलब क्या है वो शत्रु रूप में नहीं एक तरह से भगवान की लीला को पुष्टि कर रहे भगवान की लीला में मदद कर रहे अगर कंस नहीं होता इतना बड़ा कृष्ण लीला होता अगर रावण नहीं होता इतना बड़ा रामायण होता होता ही नहीं इसमें जितने भी हम इनको देखते हैं ऊपर से ये शत्रु है लेकिन एक तरह से एक तरह इसलिए ये काजी एक तरह से महापुरुष का मित्र अगर क्यों अरे काजी अगर नहीं होता तो महापुरुष का क्या रास्ता होता दूसरा तरह एक चादर के चादर देखे महापुरुष का राम लगे एरा शत्रु रूप में कहा जी सबसे शत्रु नहीं एरा तो मित्र क्योंकि यदि रावण ना हो राम लीला की हो तो यदि कंस ना हो तो कृष्ण लीला की हो तो यदि काजी ना हो तो तब महापुरुष महिमा के बता दो तो एक टीके टीके देखा जाते हैं शत्रु किंतु अन्य जगह यदि विचार करें ना तेरा भगवान है मित्र तेरा हम लोग चैतन्य लीला मूर्चिकारी भगवान लीला तेरा सहाय करते ना मदद करते जगन महाप्रभु भक्त करते ही आदेश दिले जाओ प्रति घरे घरे किया पाको ही विचार बोलना कृष्ण भज कृष्ण तरह कृष्ण शिक्षा महाप्रभु ने निर्देश दिया भक्तों को जाओ गली गलियों में जहाँ करके हरि नाम कीर्तन को प्रचार करो और जिसको देखो भिक्षा मांगो बोले इस चीज के भिक्षा मांगो बोले बोलो तो कृष्ण बोलो भज तो कृष्ण भज अगर जीवन में शिक्षा पाना तो केवल कृष्ण भक्ति को ही जीवन में केवल कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा रूप में प्रार्थना किया अभी भक्त लोग जा जाकर गली गलियों में जैसे हमारे भक्त लोग मृतंग बजा कर देखो सारा शरीर पुछना पुछना हो रहा है इसलिए ऐसे ही महाप्रभु का समय में हमारे भक्त लोग जाकर कीर्तन करते थे हाँ सब जगह में कीर्तन करते थे अभी ये काजी जो पाजी था काजी इसने बोले क्या हरिनाम कीर्तन इसका इतना हिम्मत है और उसी समय मुसलमान राष्ट्र था और यहाँ पर कृष्ण नाम कीर्तन हमें उन्हें नहीं देंगे उन्होंने किया क्या भक्त लोगों का मृतंग तोड़ दिया बोले मृतंग तोड़ नहीं ये मृतंग से नित्या बढ़ते प्रभु ने और मृतंग तोड़ दिया महाप्रभु को खबर दिया तो महाप्रभु तुम्हें क्रोध आया बोले मेरे भक्तों का मृतंग तोड़ दिया इतने में क्या हुआ रात में साक्षात नरसिंह भगवान उनको स्वप्न में आए और आधा नाल और आधा सिंह स्वप्न में आए और काजी की छाती पर बैठ गए के बोले तुमने मेरे भक्तों का मृतंग तोड़ा महाप्रभु बोले देखो आज हम सबाई
इतने महाप्रभु बोलने की আমার ভক্তরা অত্যাচার আমি ছাড়ব না কালকে আমরা সবাই কালকে কাজি ঘরে কালকে আমার আক্রমণ করবো আর মহাপ্রভু ভক্তরা সবাই কি হয়েছে তাদের চারটা চারটা হাত হয়ে গেছে হ্যাঁ চারটা চারটা হাত দুই হাতে দুটো মশলা ধরেছে আর দুই হাতে কীর্তন করছে কর্তাল মৃদম বাজাচ্ছে চারটা হাতে কি করে হলো অর্থাৎ এই বর্তে দেবে তারা কি হয়ে গেল এই বর্তে দেবে তো বৈকুণ্ঠ পুরি হয়ে গেল সবাই কীর্তন করতে 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 এই কাজি বাড়িতে এসছে আর কাজি ভয়ে ঘরে ঢুকে গেছে আর দরজা খুলে না তাদের বাড়িতে তো আম কাঁঠাল গাছ গুলো ছিল না সবাই এই চেষ্টা করে একদম ঘরে ঘরে ফিরিয়ে ফিরিয়ে একদম তসলত কর দিয়ে সর্বনাশ কর দিয়েছে এখানে ডাকছে কাজি কে কাজি আর ভয় আর আসে না যখন কাজি এসেছে তখন মহাপ্রভু তাকে বুঝিয়েছে হ্যাঁ তাকে বুঝিয়েছে আর শ্যাম কাজি বলো বলো প্রভু আমার খুব অপরাধ হয়ে গেছে কালকে আমি স্বপ্ন দেখলাম যে কি স্বপ্ন দেখলাম যেটা ভয়ঙ্কর আধা মানুষ আর আধা স্ত্রী একজন এসে আমার শাশুড়ি বলে বসেছে বলে আমার ভক্তের বুদ্ধি ভেঙে দিয়ে তো তোমার হৃদয়ের বৃদ্ধকে আমি ভেঙে দেব হ্যাঁ ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছি আমি আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি আর এই সংকীর্ণতা আমি জীবন বাধা দেব না আমার পরিবারের যারাও আসবে যদি কীর্তনের বিরুদ্ধ হয় তোমার যদি বিরুদ্ধ হয় আমি তাদের ত্যাগ দেব আজ থেকে আমি তোমার ভক্ত হয়ে যাবো এখানে মহাপ্রভু অনেক কিছু বুঝাবে বলে তোমাদের কোরআন থেকে লেখা আছে এই গরুতে কেটে খাওয়া মা প্রতিদিন দুধ খাওয়ায় হ্যাঁ কিন্তু গরু কি করে সারা জীবন আমাদের দুধ খায় বলতে কি করে চাষ করে কিন্তু আমাদের বাবা আর গরু কি হলো মা কোথায় লেখা আছে বাপ মা কি কেটে খাবে তোমাদের কোরআনে কি লেখা আছে তিনি স্বীকার করে না আমাদের কোরআনে কথা লেখা নেই এটা মুসলমানরা কি গরু কেটে খাচ্ছে এটা হলো ভুল এটা ঠিক নাই বুঝতে পারছেন তো এখানে মহাপ্রভু তিনি যখন শরীর ত্যাগ করেন মহাপ্রভু কেবল জীবনে দুই ব্যক্তিকে তিনি কোলে নিয়ে তিনি সমাধি দিয়েছেন একটি হলো আমাদের পুরীতে শ্রী হরিদাস ঠাকুরকে যেখানে হরিদাস ঠাকুর তিনি শরীর ত্যাগ করে তাকে মহাপ্রভু নিজে কোলে নিয়ে তাকে নিজে হাতে তিনি সমাধি দিয়েছে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো শ্রী কাজীকে হ্যাঁ কাজীকে তিনি কোলে নিয়ে সেখানে তিনি এখানে সমাধি দিয়েছিলেন আর পুরীতে মহাপ্রভুটা বকুল হ্যাঁ গাছ ওখানে লাগিয়েছিলেন ওইটা হ্যাঁ কাঠি থেকে জগন্নাথের একটি দাঁতন থেকে বিপরীত হয়ে গেছে আর এখানে মহাপ্রভু নিজে হাতে ওনাকে সমাধি দিয়ে এটা ঠিক চপ্পলদার চাপাদার চাপাদাসের একটি মহাপ্রভু লাঠি নিয়ে পুঁতে দিয়েছিলেন ওই লাঠিটা দেখুন কত বড় বৃক্ষ রূপে এই লাঠিটি কত বড় বৃক্ষ রূপে এখানে পরিবর্তন এখানে হয়ে গেছে আর দেখুন হরে কৃষ্ণ এখানে আমি হিন্দি বলবো বাংলা হয়ে গেল আর দেখো ইহাঁ পর ये जो महाप्रभु भक्ति में अगर कोई बाधा देते हैं कैसे नरसिंह भगवान कैसे रक्षा करते हैं आपको एक सही घटना सुना रहा हूँ ध्यान से सुना एक समय रसिया में यहाँ पर जो रुष्टि भक्त लोग आए एक समय रसिया में ध्यान से सुना एक समय रसिया में जिस समय ये हरि भक्ति वहाँ पर हमारे स्वामी महाराज ने प्रचार करने के लिए गए और वहाँ पर श्री हरि भक्ति को इसलिए जब उन्होंने भक्ति प्रचार करने लगे रसिया में पहले रसिया कम्युनिस्ट पार्टी था वहाँ पर कोई भगवान की भजन नहीं कर सकते भक्ति नहीं कर सकते लेकिन हमारे भक्त लोग वहाँ पर प्रचार किया तो लेकिन कैसे उन लोगों ने प्रचार किया रसिया के भक्त लोगों ने कैसे प्रचार किया उन लोगों ने छुप करके प्रचार करने के लिए कोशिश किया है छुप छुप करके उन्होंने प्रचार कर रहे थे ओपनिंग के रूप में प्रचार नहीं कर रहे थे अभी रसिया की जो गवर्नमेंट को पता चला यहाँ पर हिंदू धर्म ये सनातन धर्म आकर के यहाँ प्रचार हो रही है अभी पुलिस सीआईडी होने लग गए कौन ये भक्ति प्रचार करे तो कम्युनिस्ट कंट्री यहाँ पर तो भगवान भगवान कुछ मानते नहीं यहाँ पर कौन प्रचार कर रहे हैं अभी कुछ भक्तों को पकड़े गए तो अभी उनको जेल में डाल दिया
जो जेल में डाल दिया, अभी जेल में डाले हुए, लेकिन देखो इन लोगों को अंदर में कितनी भक्ति है। उस समय देखो इतने मतलब भक्ति भक्त बिना भक्ति उनको जेल में डाल दिया, लेकिन भजन कैसे करते थे जानते हो? कैसे भजन करते थे? उनको जो पेड़ रहते थे वो पेड़ में माला बना देते थे, पेड़ में माला बना करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे, वो पेड़ में माला बना के हरिनाम करते थे। और किधर किया हुआ चुन अभी जो जेल में थे उनको मार रहे थे, अभी जब मार रहे थे जेल में अलग 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 रूम था, अभी जिनको मार रहे थे बड़े चीख रहे थे मत मारो छोड़ दो मत मारो छोड़ दो। मारते 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 अभी नंबर आया भक्तों का, नंबर आया भक्तों का जो छूप करके प्रचार कर रहे थे, जब उनका नंबर आया लेकिन वो तो जेल में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे हरिनाम कर रहे थे। देखो नरसिंह देवता कितना ताकत है, नरसिंह देवता अगर हृदय से बुलाओ तो नरसिंह देव कैसे रक्षा करते। उसका सिंह बंगाली साहब यदि हृदय से यदि भगवान को भजन करे नरसिंह देव से यदि हृदय से स्मरण करे तो भाव रक्षा करे। एक बार जेल में मारते मारते नाचते द्वितीय दिन नंबर आसवे एक हमारे जो हरे कृष्ण करते उधर नंबर आसवे एक मन की हो भक्त काके टाके बिपते जेरकम प्रहलाद महाराज की बिपते काके टाके चिले नरसिंह देव को आज जब मन पिता मारते चेष्टा करे के प्रकट हो रक्षा कर लो नृसिंह देव तेरी प्रकट हो ठिकाने रक्षा कर चिले। ऐसे ने संपद विपद भक्त यदि नृसिंह देव का स्मरण करे नृसिंह देव ताकर तेरी रक्षा करे नृसिंह देव को रक्षा करते। अभी नंबर आएगा दूसरे दिन इस पर भक्तों का नंबर आएगा। अभी उन लोगों ने जेल में बैठ करके नृसिंह देव को स्तुति करने लगे, हे नृसिंह देव आप तो भक्तों का रक्षा करने वाले हो, प्रहलाद को कितने विपत्तियों से अपने प्रहलाद को रक्षा किया, कल हमारी नंबर पिटाई की कल नंबर आ रही कल हमारी पर पिटाई होगी। उन लोगों ने स्मरण किया नरसिंह भगवान को, देखो जब स्मरण किया जो पिटाई कर रहा था ना रात में नरसिंह देव प्रकट हो गए कहां पर रसिया में है? रसिया में नरसिंह देव प्रकट हो गए। नरसिंह देव प्रकट होकर के जो पिटाई करने वाले थे उनको घर में गए और उनको छाती को पर बैठ गए नरसिंह देव प्रकट होकर के बोले अगर कल जो नंबर आने वाले ना ये सब हरे कृष्ण वाले ये कौन के श्री ये हरे कृष्ण वाले शास्त्री हाँ हरे कृष्ण उनके पास में आए बोले देखो तुम्हारे जो प्रभु है ना मना कर दो तुमको नहीं मारेंगे। हमने रात को देखा हाँ एक भयंकर कोई व्यक्ति प्रकट हुआ, प्रकट होकर हमारे छाती में बैठ गया और नाखून से मेरा छाती फाड़ रहा था। अगर मेरे भक्तों के प्रश्न देवते पर जान लगा चुका देखो मेरे छाती में दाग है तुम्हारे प्रभु को बोल दो तुम लोग को नहीं मारूंगा, मेरे प्रभु को बोल दो नहीं मारूंगा कल तुम्हारी पिटाई नहीं होगी। देखो यहाँ पर गुस्सा दिन तो এখানে নৃসিংহ ইস্কন যে ভক্ত ছিল না মারতে মারতে তাদের নম্বর কালকে আসতো ওরা ধরো নৃসিংহ দেবকে ডেকেছে ঠাকুর তুমি প্রহ্লাদ মহারাজের যত বিপত্তি এসেছে তাদের বিপদ থেকে তুমি রক্ষা করছে তাদেরকে, কালকে তো আমাদের পিটাই হবে আমার ভগবানের নাম নেই বলি তুমি তো সত্যি সত্যি না সত্যি সত্যি তুমি যদি থাকো কাল তুমি নিজের পরাক্রম দেখাও আর এখানে তুমি প্রকট হয়ে তাদের সাথে সত্যি সত্যি রাত্রিতে না ওদের বাড়িতে নিশ্চিত হয়ে প্রকট হয়ে গেছে আর ওনার ছাতি উপরে বসে বলে দেখো কালকে যে হরে কৃষ্ণ নাম নিয়ে না কালকে ওদের নম্বর আছে মার যদি তারা হলো আমার ভক্ত যদি তুমি তাদের মেরেছে দেখেছো আমার ভয়ঙ্কর রূপ নিশ্চিত দেবে রূপ তোমার ছাতি মারি দেবো আর নিশ্চিত দেবো কিরকম বিকটাল রূপ ওনার যে রূপ দেখে লক্ষ্মী ব্রহ্মা তারা ভয় সেখানে যায়নি। তাহলে দ্বিতীয় দিনই এসে ওই যে ভগবানের ভজন করতো না বলে তোমার কাদের ভজন করো গো খবর তো কালকে হ্যাঁ আমার ঘরে একটা ভয়ঙ্কর একটা চিন চিন প্রকট হয়ে গেছিল বলে কালকে যদি ভক্ত করে তুমি কোনো কষ্ট দিও না তোমাদের আমি জীবন মেরে দিব তোমাদের প্রভুদের বলে দাও তোমাদের আমি মারবো না তোমাদের আমি মারবো না তোমার প্রভুদেরকে বলে দাও
বুঝতে তো যদি হৃদয় থেকে আমরা নৃসিংহ দেবকে স্মরণ করি আমাদের উপরে যত প্রকার বিপত্তি আছে নৃসিংহ দেবকে নিশ্চিত রূপে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করবেন। এই জন্য বলে নৃসিংহ ভগবান কি, এই জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু কেবল দুইজন ব্যক্তিকে কোলে তিনি নিয়ে সমাধি দিয়েছেন, একটি হলো হরিদাস ঠাকুর, দ্বিতীয় হলো কাজি। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কাজি হ্যাঁ যে মহাপ্রভুর ভক্তিকে তিনি বিরোধ করলেন, মহাপ্রভু আবার কোলে নিয়ে নেবে কি করে? তাদের কোলে নিয়ে এখানে ভগবান তাকে কোলে নিয়ে আসার সাধারণ কথা, কোলে নিয়ে এখানে সমাধি করে ফেলে তো কারণ হলো তিনি হলেন কৃষ্ণের মামা। কংসকে ওই পূর্বজন্ম তিনি কংস, তিনি হলেন এক তো কৃষ্ণের মামা, আর দ্বিতীয় হলো তিনি মহাপ্রভু লীলাতে মহাপ্রভু মহিমাকে তিনি প্রকাশ করতেন। তিনি যদি না হতে আমরা কি এখানে বসে মহাপ্রভু দয়ার কথা শুনতাম? আমরা এখানে কথা শুনতাম না? কংস যদি না হতো কৃষ্ণের কি এসে লীলা হতো? ওনার লীলাই হতো না। এই জন্য একদিকে দেখা যাবে শত্রু, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে এরা হলো ভগবানের মিত্র, বুঝতে পারছেন তো? এই জন্য এরা হলো লীলাতে পুষ্টিকারক। এই জন্য আমরা এখানে এসেছি, এখানে প্রণাম করবো, এখানে ধুল লাগালো হ্যাঁ। আর এখানে ওই যে মুসলমান যিনি ছিলেন কাজী, ওদের বংশের লোকরা এখানেও এখানেও সেই মহাপ্রভু লাইনটা আছে, ওরা এখানেও সেই গলায় মালা তিলক ধারণ করে, এখানেও সেই মহাপ্রভু ওরা পূজা করে। এরকম ভাই মহাপ্রভু তিনি সবাইকে সেই প্রেম তিনি প্রদান করছেন।